वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखेंगे SIPF पोर्टल पर फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर कॉन्टैक्ट। दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और मार्च महीने में अपने जो SIPF पोर्टल पर अगर अपन को अधिक घोषणा पत्र, जो अपनी कटौती SIP की कटौती बढ़ानी होती है, तो उसके लिए अधिक घोषणा पत्र, जिसको बोलते हैं फर्दर कॉन्टैक्ट, वो अपडेट करके SIPF पोर्टल पर जनरेट करके अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है उस पर जनरेट करने के बाद में अपने डीटीओ को जमा कराना होता है। और दूसरा जो होता है फर्स्ट डिक्लेरेशन उस एम्प्लॉय के लिए होता है जिसके 2 साल पूरे होने के बाद प्रोबेशन आफ्टर 1 मार्च जो उस वर्ष का आता है, तो उसमें उसको फर्स्ट डिक्लेरेशन भर के देना पड़ता है। फर्स्ट डिक्लेरेशन होता है अपने SIPF का घोषणा पत्र। SIPF को अपन घोषणा पत्र भर के देंगे जब ही अपना जो SIPF नंबर है वो जारी होगा और पॉलिसी का जो बॉन्ड होता है वो इस फर्दर कॉन्टैक्ट को अपडेट करके देंगे जब ही अपन को जो अपना बॉन्ड है वो SIPF द्वारा जारी होगा। तो इन दोनों प्रपत्र के बारे में देखेंगे, आप वीडियो में बने रहें। और ये दोनों प्रक्रिया मार्च महीने में ही होंगी। दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आफ्टर प्रोबेशन एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए जो आपका SSO प्रोफाइल जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके फर्स्ट डिक्लेरेशन लिखा हुआ आएगा। और अगर आप अधिक घोषणा पत्र जो भरना चाहते हैं, कटौती अपनी बढ़वाना चाहते हैं, तो आपके लिए फर्दर कॉन्टैक्ट आपके SSO लॉगिन आफ्टर लिखा हुआ आपको मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पर SSO लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपकी जो 16 डिजिट की एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड आफ्टर कैप्चा फिल के बाद में यहाँ पर को लॉगिन करना है। लॉगिन यहाँ पर आफ्टर यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड आफ्टर यहाँ पर आप SIPF क्लिक करेंगे। अब आपका जो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड यहाँ पर ऊपर स्पष्ट है, वो जो आपका अकाउंट लॉगिन हुआ, यहाँ पर ट्रांजैक्शन की टैब में फर्स्ट डिक्लेरेशन, क्योंकि ये उस एम्प्लॉय का अपन प्रथम घोषणा पत्र भर लें आफ्टर प्रोबेशन, इसलिए आपके यहाँ पर फर्स्ट डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट डिक्लेरेशन इसको क्लिक करेंगे। आफ्टर यहाँ पर आपकी नॉमिनी डिटेल अगर पहले से आपके SSO प्रोफाइल में ऐड है तो आपको यहाँ पर गेट नॉमिनी दिख जाएगा, वरना आपको यहाँ पर एक एरर मैसेज भी दे सकता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जिसको आप वीडियो डिस्क्रिप्शन क्लिक करके हेल्पिंग वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो यहाँ पर बिल्कुल हाइट बॉक्स जो है उसमें सभी में आपकी एम्प्लॉय की डिटेल है। अब आपको अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन जो प्रथम घोषणा पत्र भरना है, यहाँ पर आपकी प्रीमियम जो पहले से 1300 रुपये आ रही है, क्योंकि आपकी बेसिक पे के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रीमियम है, यहाँ पर आपकी बेसिक पे लगी हुई है और यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट प्रीमियम है वो यहाँ पर आ रही है। और ये प्रीमियम आपकी 7 पे के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्मिकों के देय 7वें वेतन मान के अंतर्गत जो कटौतियाँ हैं वो यहाँ पर SIF कटौती की यहाँ पर प्रीमियम दिनांक 1 अप्रैल 2018 से जो 7 पे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे है, जो भी है आपकी बेसिक पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिडक्शन शो है। अगर आप इसमें लास्ट में बढ़ाना चाहते हैं तो हाईएस्ट मैक्सिमम 4000 रुपये की कटौती यहाँ पर मैक्सिमम है। इस बीच आपकी जो बेसिक पे है, जैसे यहाँ पर 28501 से 46500 तक 1300 रुपये है। अब आपको यहाँ पर जो भी डिडक्शन ऐड करना है वो 7 पे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर कटौती जो भी बढ़ाना चाहते हैं वो अपनी कटौती यहाँ पर शो कर दें और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक आफ्टर आपको यहाँ पर एक मैसेज प्राप्त होगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल, इसको आप यहाँ पर ओके कर लेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुल, ओके। अब यहाँ पर ये मैसेज जो दे रहा है आपको यहाँ पर प्रिंट कहाँ से चाहते हैं आप, प्रिंट जो है वो पेंडिंग टास्क में जाकर के अपन को प्रिंट लेनी है, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आपको होम पेज पर वापस आएंगे, होम पेज पर क्लिक करेंगे। होम पेज पर क्लिक आफ्टर यहाँ पर पेंडिंग टास्क, क्योंकि अपन को यहाँ से प्रिंट लेना है। पेंडिंग टास्क में यहाँ पर SI फर्स्ट डिक्लेरेशन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जो अपन ने अभी अभी हाल ही अपडेट किया है, इसका प्रिंट अपन यहाँ से ले लेंगे। इस प्रिंट में अपन को मैन्युअली यहाँ पर कुछ फीलिंग्स भी करनी है, जैसे क्या आप विकलांग या नेत्रहीन हैं तो नहीं, क्या आपको कोई
रोग हुआ है, जो भी अपनी डिटेल है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपन को यहाँ पर देनी है, जो अपन को मैन्युअली भरना है। अब आप क्या स्वस्थ हैं, तो यस। और यहाँ पर जो आपके फैमिली की डिटेल है, यहाँ पर जीवित जो आपके फैमिली मेंबर और यहाँ पर मृत, अब जीवित फैमिली मेंबर यहाँ पर उम्र उनकी लिखनी है, माता पिता पति पत्नी भाई बहने और पुत्र पुत्रियाँ, और यहाँ पर उनकी स्वस्थ हैं और इस बीच यहाँ पर कोई मृत्यु हुई है तो वो यहाँ पर कारण सही लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपने कोई अवकाश वगैरह कुछ लिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। इन प्रोबेशन अगर आप निर्वेतन गए हैं तो यहाँ पर शो करना है, नहीं तो आप इसको नील कर देंगे। और यहाँ पर आपकी नॉमिनी डिटेल यहाँ पर शो है, अगर नहीं है तो मैन्युअली आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर और यहाँ पर डीडीओ की सील मोहर लगाकर अपने डीडीओ को ये प्रपत्र जमा करवाना है। यहाँ पर आपका स्थान लिख देंगे, जो स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, आपका जो प्लेस है वो, और यहाँ पर डेट शो आफ्टर ये डीडीओ को जमा कराना है। दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट डिक्लेरेशन, और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर फर्दर कॉन्टेक्ट, फर्दर कॉन्टेक्ट यानी कि अधिक घोषणा पत्र, कि अपनी डिडक्शन जो है SIP पोर्टल पर बढ़ानी होती है। इसके लिए अपन यहाँ पर SSO जो अपनी एम्प्लॉय ID लॉगिन आफ्टर ट्रांजेक्शन की टैब में यहाँ पर फर्दर कॉन्टेक्ट डिटेल, फर्दर कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर स्पष्ट हैं। बहुत सारे एम्प्लॉई यहाँ पर ऑप्शन इनका जो अधिक घोषणा पत्र जो भरना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके फर्स्ट डिक्लेरेशन शो होता होगा, तो वो उसके लिए इस समस्या के लिए आप अपने DDO में जाकर के अपनी जो एम्प्लॉय ID है उसको अपडेट करवा लें, जो अपना बेसिक वगैरह जो है ग्रेड पे वगैरह वो अपडेट करवाने से यहाँ पर आपकी फर्दर कॉन्टेक्ट डिटेल शो हो जाएगा। अब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक आफ्टर यहाँ पर एम्प्लॉय की जो डिटेल है एम्प्लॉय डिटेल वो शो हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपनी यूजुअल यानी कि करेंट प्रीमियम आपकी कितनी जा रही है, करंट प्रीमियम आपकी जो भी जारी हो 1800 भी हो सकती है या 2650 या जो भी हो सकती है वो आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। और आपकी डिडक्शन कितनी बढ़ानी है यहाँ पर आप IELTS यहाँ पर 3000 कर सकते हैं, इसको अपडेट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर डिफरेंस भी बता दिया है, यहाँ पर इंक्रीमेंटल प्रीमियम यहाँ पर 1200 रुपये का डिफरेंट हो गया, क्योंकि जो करंट प्रीमियम थी वो आपकी 1800 थी, अब आपने यहाँ पर 3000 कर दिया, 1200 यहाँ पर ऐड हो गया, प्लस हो गया, और सेम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा जो चेकबॉक्स है उसको टिक कर लेना है, मतलब ये वेरिफिकेशन है आपका, और सबमिट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। उसके लिए आपको सबमिट डाटा सेव सक्सेसफुली ऐसा करके एक मैसेज दे देगा, और वापस आपको यहाँ पर होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर पेंडिंग टास्क में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक्टिविटीज की टैब में आप फर्दर कॉन्टेक्ट इसको क्लिक कर लेना, वापस वही प्रिंट प्रोसेस जो अपने DDO को इसका प्रिंट निकाल करके जो सेम प्रोसेस है अपने जो फर्स्ट डिक्लेरेशन जो अपडेट किए हैं उसी की तरह से। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने इस वीडियो की मदद से दी है। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।